हेलो दोस्तों, मैं हूँ सना खान। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सना आयुर्वेदा पर। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ DIY मेथी क्रीम, जिसे आप घर में आसानी से बना सकते हो और इस क्रीम का फ़ायदा उठा सकते हो। इस क्रीम के यूज़ से आपकी स्किन टाइट होने वाली है, आपके रिंकल्स यानी वो तो झुर्रियाँ जो होती हैं वो तो बिल्कुल ही गायब होने वाली हैं। साथ ही आपकी स्किन टोन लाइट होगा, यानी आपकी स्किन का कलर फेयर होगा, और साथ ही आपके एक्ने पिंपल रिड्यूस होंगे, और साथ ही आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी दूर करेगी। तो हो गई ना काफ़ी कमाल की बात कि घर में इतनी आसानी से बनने वाली क्रीम आपको इतने सारे फ़ायदे देने वाली है। तो दोस्तों, इस क्रीम को कैसे बनाना है वो देखने से पहले हम इसके बेनिफिट जान लेते हैं, और ये जान लेते हैं कि इस क्रीम को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही उन इंग्रेडिएंट के बेनिफिट भी हम हाथी हाथ जान लेंगे, ताकि उसके बेनिफिट हमें पता हो कि हमारी स्किन पर क्या जादू करने वाले हैं। जैसे कि ये मेथी की क्रीम है, तो इसमें हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी मेथी के दाने की। मेथी के दाने ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बल्कि हमारी खूबसूरती को इंक्रीज करने के लिए भी काफ़ी अच्छे जाने जाते हैं। ये मुहासों को दूर करते हैं, चेहरे के दाग धब्बों को भी मिटाते हैं। इससे चेहरे पर लगाने से आपकी स्किन काफ़ी टाइट होती है, आपकी स्किन पर जो झुर्रियाँ हैं वो रिड्यूस होती हैं, और काफ़ी यंग लुक लगता है आपकी स्किन का। यानी आपकी स्किन के जब रिंकल्स गायब हो जाएंगे, लूज स्किन टाइट हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन यंग नज़र आएगी और काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। साथ ही इसके यूज़ से स्किन पर ग्लो आता है, और ग्लो की बात करूँ तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। इसके फर्स्ट यूज़ में ही आपको अपनी स्किन में काफ़ी अंतर नज़र आएगा। ग्लो के मामले में आपसे कहूँ तो 19 से 20% आपको फर्स्ट में ही नज़र आ जाएगा। यानी जब आप फर्स्ट इसका फेस पैक लगाओगे, जैसे ही फेस धोगे, आपको बिफ़ोर आफ्टर नोटिस करना होगा अपने फेस में, काफ़ी अंतर नज़र आएगा और काफ़ी ग्लो नज़र आएगा। और मेथी के साथ ही हम इस क्रीम में एलोवेरा जेल का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, जो एलोवेरा जेल है ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी के अलावा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसे चेहरे पर लगाने से एक्ने के दाग दूर होते हैं, साथ ही एक्ने भी दूर होते हैं। यह हमारी स्किन को झुर्रियों से मुक्त करता है, यानी ये भी आपकी स्किन को टाइट करता है। और इसके बाद इस क्रीम में जो हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे वो होगा हल्दी पाउडर। यहाँ पे हम हल्दी पाउडर भी यूज़ करेंगे। हल्दी पाउडर आपकी स्किन को ग्लो लाने में मदद करती है, आपकी स्किन को लाइटन अप करती है, और इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोवेयर और स्किन के दाग धब्बे दूर करने के भी गुण पाए जाते हैं। ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और ये स्किन की झुर्रियों को ये भी ख़त्म करने में मदद करती है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, देखिए मैंने उसके सारे बेनिफिट आपको बताए हैं। इससे आप समझ ही जाओगे ये क्रीम आपके ऊपर क्या जादू करेगी। काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं जो भी हमने इसमें मिलाए हैं या मिलाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अब हम इस क्रीम की रेमेडी देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है और इसका यूज़ आपको कैसे और कब करना है। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल सना आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये DIY मेथी क्रीम बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1 चम्मच मेथी दाना। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, और ये जो गिलास आपको दिख रहा है ये मेरा 100 ml का गिलास है। 100 ml पानी में मैं मेथी दाने को, 1 चम्मच मेथी दाने को भिगोने वाली हूँ। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा किसी भी बर्तन से कि आपको इसे कितने पानी में भिगोना है। 100 ml पानी के करीब होना चाहिए आपका पानी। और ये देखिए, मैंने पहले ही रात को भिगो के रख दिया था, और आपको दिखाने के लिए इसलिए मैं वो पानी दिखा रही थी। ये मैंने रात को ही भिगो के रखा था, और रात को भिगोने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और मैं आपको बता दूँ, इसे मैंने परसों भिगोया था, यानी ये मेरी 24 घंटे का रिजल्ट है। ठीक है, आपको इसे 24 घंटे भिगो के रखना है। 24 घंटे बाद आपको ऐसा पानी मिलेगा, 12 घंटे बाद आपको ऐसा पानी नहीं मिलेगा जैसा हमें चाहिए। थोड़ा सा थिक हो गया है पानी जैसा हमें चाहिए।
अब आपको क्या करना है, इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलानी है जो मैं बता रही हूँ अभी। फ़िलहाल आपको क्या करना है, आपको लेनी है हल्दी। यह हल्दी हाफ टेबल स्पून हल्दी है जो हम इस क्रीम में डालने वाले हैं। मैं आपको चम्मच में लेके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी हाफ टेबल स्पून है हल्दी है। आपको ये इसी पानी में, मेथी के पानी में मिला लेना है। याद रहे अभी मैंने इसे छाना नहीं है, ये मेथी इसके अंदर ही है, पानी के अंदर। इस हाफ टेबल स्पून हल्दी को हम मेथी में डाल देंगे और फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि हल्दी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें इसे डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप ऐसे ही इसे मिक्स कर लीजिए ताकि हल्दी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हल्दी इसमें अब मिक्स हो चुकी है। पानी का कलर बिल्कुल येलो हो चुका है, कलर चेंज हो गया है। और दोस्तों याद रहे, यहाँ पे मैंने जो हल्दी यूज़ की है ना, वो कस्तूरी हल्दी यूज़ करी है। कस्तूरी हल्दी जो होती है वो हमारे फेस के लिए होती है। यहाँ पे मैंने खाने वाली हल्दी यूज़ नहीं की है, उसमें कलर मिला होता है। मैं आपको ये बात पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं फिर से इस वीडियो में बता रही हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना करें। आपको कस्तूरी हल्दी लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसे उसमें डाल देना है, बर्तन में, जिसमें आपको इसे गरम करना है। जी हाँ, हम इसे गैस पे गरम करने रखेंगे। ये देखिए, ये गैस पे गरम करने मैंने रख दिया है। अभी हल्के से बबल से उठने लगे हैं, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। अगर आप नोटिस करें, हल्के से बबल उठ रहे हैं, यानी ये गरम होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा, एक उबाल में ही मैं इसे बंद कर दूंगी। बस मुझे एक उबाल लेना है ताकि ये चीज़ें गर्म हो जाएँ। जो भी चीज़ें मैंने इसमें मिलाई हैं, पानी में मेथी और हल्दी, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो देखिए इसमें उबाल बस आने ही वाला है। धीरे धीरे देखिए बबल उठने लगे हैं। ऐसे ही आपको करना है, सेम जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। आपको किसी भी बर्तन में लेना है और इसे गैस पे रखना है। बिल्कुल मीडियम गैस पे रखिएगा, ज़्यादा तेज़ मत करिएगा, बिल्कुल मीडियम लो गैस पे गरम कीजिएगा। लो गैस पे जब आप गरम करेंगे, कुछ देर बाद आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलने वाला है जैसा इस टाइम आपको वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखिए एक खोल आ चुकी है, और एक खोल आने के बाद मैं गैस को बंद कर लूँगी और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे छान के निकाल लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे हल्का सा ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद ये हल्का सा थिक हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसे छान के निकाल लेना है। जैसे मैं निकाल ली हूँ, आपको वीडियो में दिख रहा है, सेम वैसे ही आपको इसे छान लेना है। किसी भी छन्नी से, छन्नी नहीं है तो कॉटन के कपड़े से, आप किसी से भी इसे छान सकते हो, ठीक है। इसे छान लीजिए, और ये जो मेथी के जो दाने बचे हैं ना, आप इन्हें फेंकिएगा मत। आप ऐसा करिएगा, इसे पीस के पेस्ट बना के आप अपने बालों में लगा लीजिएगा, ठीक है। बालों के लिए काफ़ी अच्छी होती है मेथी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अब ये जो पानी है ये परफेक्ट है हमारी क्रीम बनाने के लिए। अब आपको क्रीम कैसे बनानी है, आपको लेना है एक चम्मच एलोवेरा जेल, जिससे हम इस क्रीम को बनाएंगे। तो आपको अब इस एक चम्मच एलोवेरा जेल में आपको यहाँ पे मेथी का पानी मिलाना है। ये वही मेथी का पानी है जिसे अभी हमने गरम करके और छान के निकाला था। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच मेथी का पानी डाल देती हूँ, और फिर मैं इसे इसमें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि क्रीमी सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए, और जो ये पानी है मेथी का वो एलोवेरा जेल में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये एकदम स्मूथ सा क्रीम सा पेस्ट बन जाए। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, आप भी ऐसे ही सेम इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे या सिर्फ 1 मिनट लगेगा, और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए इसमें मिक्स होने लगी हैं, और आपको दिखाई दे रहा होगा इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। जैसा कि हमें क्रीम चाहिए बिल्कुल वैसी ही हमारी क्रीम एकदम रेडी होने वाली है, जो हमारे चेहरे पर एकदम जादू असर करेगी, हमारे कलर को फेयर करेगी, बेदाग स्किन देगी, और साथ ही हमारी स्किन को टाइट करने में हमारी मदद करेगी। ये देखिए हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको ये पास से दिखा देती हूँ कि ये पास से कैसी लगेगी। ये देखिए ये येलो सी क्रीम है, और देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, जैसा हमें बिल्कुल चाहिए वैसे ही क्रीम हमारी रेडी है। अब आपको इसे कैसे क्या करना है, आपको इसे स्टोर करके फ्रीज में रख देना है किसी भी बर्तन में, जिससे आप इसे ढक सकें, अच्छे से कवर कर सकें, अच्छे से ढक के आप इसे
फ्रीज में रख दीजिएगा, और फ्रीज में आपके ये 1 से 2 मंथ आराम से चल जाएगी। और फिर आपको, अब मैं ये बताने वाली हूँ कि इसका यूज़ आपको कैसे करना है और कब करना है। तो इसका यूज़ आपको कैसे करना है, इसका यूज़ आपको अपने फेस पे रात के टाइम सोते टाइम करना है और या सुबह के टाइम करना है। आप रात को भी कर सकते हैं और आप सुबह को भी कर सकते हैं, लेकिन आप दोपहर को इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसका यूज़ करने का सही तरीका ये है कि आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, यानी किसी भी फेस वॉश से आपको अपने चेहरे को धो लेना है, फिर टॉवल से या कॉटन से पोंछना है, फिर ये क्रीम आपको हाथ पे लेनी है। जरासी सी ही क्रीम आपको हाथ पे लेनी है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल जरासी सी ही क्रीम आपके पूरे फेस पर अच्छे से फैल जाती है और इतनी ही क्रीम आपके लिए काफ़ी है। और आपको फिर अपने हल्के हाथों से अपने फेस पे मसाज करनी है। ये मसाज आपको बिल्कुल सेम वैसे ही करनी है जैसे मैं आपको अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ। अपने हाथों को गोल गोल हाथ घुमा घुमा के आपको अपने फेस पे ये मसाज करनी है, बिल्कुल लाइट हाथ से करनी है। ज़्यादा कस के आपको मसाज नहीं करनी, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप कि आपको बिल्कुल हल्के हाथों से ये मसाज करनी है। आपको 2-3 मिनट लगेंगे सिर्फ मसाज करने में, और फिर ये क्रीम जो है मेथी क्रीम, ये सूखने लगेगी आपकी स्किन पे। और जब आपकी स्किन पे ये सूख जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने फेस पे कुछ लगाया है। और दोस्तों 15 से 20 मिनट बाद लगे रहने के बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपको अपना फेस कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है और इस पे हल्का सा ग्लो आ चुका है। तो फर्स्ट बार में इसका रिजल्ट अच्छा आया है और सेकेंड बार में और भी अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस मेथी को यानी DIY मेथी क्रीम को यूज़ करना ना भूलिएगा। इसे बनाइए और इसे यूज़ करिए, काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छी रेमेडी है और आपकी स्किन को भी टाइट कर रही है। और हाँ, मैं एक इस वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गई कि आपकी स्किन को टाइट कर रही है और ये आपके ओपन पोर्स को भी रिड्यूस करती है। जाहिर सी बात है, जब स्किन टाइट होगी ओपन पोर्स भी इससे रिड्यूस होंगे और आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपको इसे दोपहर में नहीं लगाना है क्योंकि इसमें हल्दी है और हल्दी से बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है। अगर आप हल्दी लगा के धूप में जाओगे तो बहुत जल्दी टैनिंग होगी, तो इस वजह से आप इसे धूप में लगा के नहीं जा सकते। आप इसे सुबह के टाइम लगा सकते हो, रात के टाइम लगा सकते हो, बस इन बातों को याद रखिएगा दोस्तों। और इस क्रीम का बेनिफिट उठाइए और इसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों अब मैं जाती हूँ, अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अब मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप चाहो तो वहाँ पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट रख सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो से जुड़ता, या फिर आपकी स्किन या आपके बालों या हेल्थ किसे, जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।